हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपने अक्सर यह देखा होगा कि दीमक यानी कि व्हाइट एंट बहुत ही आसानी से लकड़ी पचा लेती है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो आखिर ऐसा कैसे कर पाती है? तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ। पेड़ पौधों में पाया जाने वाला सेलुलोज ही दीमक का भोजन होता है, इसलिए वे तमाम चीज दीमक का भोजन होती है जिनमें सेलुलोज होता है। बहुत सी सूखी लकड़ी पर आपने दीमक का घर बना हुआ देखा होगा। लकड़ियों के बने फर्नीचर, कॉपी, किताबें जैसी बहुत सी चीजों को दीमक चट कर जाती है और फिर वह सामान किसी काम का नहीं रह जाता। दीमक जो सेलुलोज भोजन के रूप में प्राप्त करती है उसे पचा पाने की क्षमता उसमें नहीं होती है। फ्रेंड्स, बेशक ये शॉकिंग न्यूज है, इसे लेकिन यह सच है। इसे पचाने के लिए दीमक को दूसरे जीव की मदद लेनी पड़ती है और ये दूसरे जीव प्रोटोजुआ होते हैं जो दीमक के आंतों में रहते हैं। दोनों के बीच सिंबायोसिस यानी कि सहभागिता का रिश्ता होता है। दीमक लकड़ी को चबाकर निगल जाती है और फिर उसकी आंतों में अपना घर बसाए हुए प्रोटोजुआ इस लकड़ी की लुगदी को भोजन में बदल देते हैं। इस भोजन से ही दोनों जीव यानी कि प्रोटोजुआ और दीमक अपना जीवन चलाते हैं। दीमक समूह में रहती है, वह भोजन तलाशने में एक दूसरे की मदद भी करती है। यह चींटियों से मिलती जुलती है, इसलिए इन्हें व्हाइट एंट कहा जाता है। आकार के अलावा चींटियों से इनकी कोई समानता नहीं होती। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।